वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मीना जायसवाल फ्रॉम देहरादून। आज हम बनाने वाले हैं चटनी। लहसुन भून के चटनी बनाएंगे। उसके लिए हमें ये चाहिए होंगे, देखिए इस तरह से मैं लिया है, हरी मिर्च है और लहसुन है और एक टमाटर है। नमक डलेगा सिर्फ, और कुछ नहीं डालूंगी इसमें। चलिए बनाना बताती हूँ किस तरह से बनाऊंगी मैं चटनी। आज हमारे घर में बने हैं, अरे काली मसूर की दाल बनाई है मैंने, चावल बनाए हैं और रोटियां बनेंगी और साथ में हम खाएंगे ये चटनी। लहसुन और हरी मिर्च और टमाटर की चटनी बनेगी। दाल चावल के साथ चटनी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप पराठे के साथ भी खा सकते हो, सब्जी के साथ भी खा सकते हो, आप जिस चीज़ के साथ आपका मन करे आप चटनी खा सकते हो। कभी ब्रेड जैसे आया, ब्रेड में भी लगा के खा सकते हो आप चटनी। बहुत ही टेस्टी चटनी लगती है। आप लोग कभी बना के खा के जरूर जरूर देखना ये चटनी। और आप भी एक बार खाओगे ना तो आपका भी बार बार बनाने का मन करेगा। और आपको अगर मेरी रेसिपी ये चटनी और ये रेसिपियाँ पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आएगा उसको भी प्रेस कर देना, ताकि हम जो भी नई नई रेसिपियाँ डालेंगे आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचेंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, वैसे भी कहना तो बेकार ही है, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो क्योंकि मुझे कहना तो चाहिए ही नहीं, लेकिन मैं कह देती हूँ, कहना पड़ता है। और चलिए पहले मैं तवा गर्म हो गया हमारा, ये तवा अच्छे से खूब गर्म हो जाए, फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन। ये लहसुन को हम इसमें तवे में भूनेंगे, इस तरह से लहसुन भून लेंगे तवे पे। देखिए बराबर से चलाते हुए, किसी चीज़ की डंडी से या किसी से भी आप चलाते रहे इस तरह से लहसुन। और लहसुन के छिलके ये बिल्कुल काले पड़ जाएंगे, फिर हम लहसुन को छीलेंगे। ये देखिए कुकर में दाल है और इसमें हमने चावल बनाए हुए हैं। चलिए दाल चावल के साथ तो चटनी बड़ी अच्छी टेस्टी लगती है। चलिए लहसुन को लगातार चलाते रहें, जैसे हमारा लहसुन चारों तरफ से अच्छे से भुन जाए, कहीं से रह ना जाए। और जब ये लहसुन भुन जाएगा ना तो इसका छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत ही आसान से उतरता है छिलका इसका। और जो लहसुन भून के अगर चटनी बनाई जाए ना, और लहसुन अभी टमाटर को भी भूनेंगे और भून के चटनी बनाई जाए तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। कभी सच में आप लोग बना के जरूर जरूर देखना। देखिए लहसुन हमारा भुन चुका है, इसको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। अब इस गैस में हम भूजेंगे टमाटर। टमाटर को इस तरह से हम इसमें पिल कर लेंगे, काटा ही आप कुछ ले लें, इस तरह से इसको भून लेंगे। इससे भूनने से ये छिलका आराम से उतर जाएगा। देखिए टमाटर हमारा भून चुका है अच्छे से, इस तरह से आराम से भून ले। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, गैस को कर देंगे बंद। अब हम छीलेंगे लहसुन। लहसुन ये भुना हुआ लहसुन है, ये आराम से छिल जाता है, इस तरह से कुछ नहीं करना पड़ता है इसको, आराम से ये छिल के आराम से निकल जाएंगे। और ये देखना लहसुन बिल्कुल हमारा अंदर से गला है, गल चुका है लहसुन हमारा। इस तरह से निकाल लेंगे इस लहसुन को, देखिए इस तरह से लहसुन के अंदर भी ये देखिए पूरा भुन चुका है लहसुन हमारा, अच्छे से गल गया। इस तरह से हम सारे लहसुन छील लेंगे। देखिए लहसुन हमने छील लिए, कितने आराम से छिल गए। ये लहसुन भी देखना अच्छे से भुन चुका है, इतना छिलका निकला, आराम से छिल जाते हैं लहसुन भूनने के बाद, आराम से छिल जाता है। चलिए अब टमाटर के छिलके को भी उतार लेती हूँ, फिर मिक्सी में डाल के पीस लेती हूँ। काट के डाल देंगे, चार मिर्च लिए मैंने, टमाटर काट के डाल देंगे इसमें, छील लिया अच्छे से हमने इनका छिलका उतार दिया, इस तरह से रफली काट लेंगे। लहसुन इसमें डाल देंगे,
और थोड़ा सा डालेंगे नमक। आप अगर डालना चाहें तो अमचूर वो भी डाल सकते हैं, आप नींबू या अमचूर पाउडर थोड़ा सा डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं। और इसमें पानी नहीं डालूंगे, बिना पानी के पीसेंगे। चलिए मिक्सी में पीस लेती हूँ, उसमें नमक डाल दिया, इसमें कवर करके मिक्स में पीस लेती हूँ। देखिए चटनी हमारी बन के तैयार है। इस तरह से देखिए कितनी अच्छी चटनी बनी है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर जरूर मुझे बताना हमारी चटनी कैसी बनी है। चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।